हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरमा हैदर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली बाइट्स। सो आज हम आए हैं यहाँ महाराजा भोग में विंटर्स स्पेशल जो है अपनी आपके लिए सेगमेंट करने के लिए, और आज हम यहाँ पे खाएंगे कि क्या क्या विंटर्स में स्पेशल फूड होता है जो आपको खाना चाहिए या जो मुझे पसंद है। फरमाना, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप फूडी हैं या फिर डाइट वाले पर्सन हैं, और अगर फूडी है तो आपका फेवरेट फूड कौन सा है? डाइट और फूडी, मतलब मैं हूँ दोनों ही, डाइट भी करता हूँ और फूडी भी हूँ, लेकिन ऐसी डाइट नहीं करता हूँ कि मैं महीनों महीनों तक मीठा छोड़ दूँ या कुछ कर दूँ, क्योंकि मेरा शुगर टूथ है और शुगर लो भी हो जाती है। तो मैक्सिमम 4 दिन मैं बिना शुगर के रह सकता हूँ, लेकिन 5वें दिन थोड़ा सा चख लेता हूँ। लेकिन बात करें कि अब मुझे खाने में क्या क्या पसंद है, तो मुझे खाने में पसंद है जैसे कि शाही पनीर बहुत पसंद है, कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है, लौकी के जो कोफ्ते होते हैं वो बहुत पसंद है, बाकी सूजी का हलवा हो गया, भाकरी हो गई, जवार की रोटी हो गई, माँ की दाल हो गई, कल भी लंच में मैंने माँ की दाल जो है वो ऑर्डर की थी। तो ये सब चीज़ें, मतलब मैं बोलूँ तो मुझे खाने में सब कुछ पसंद है, बस अच्छा बनाने वाला होना चाहिए, और आज हम आए हैं ये स्पेशलिस्ट हैं खाना बनाने में। अगर हम बात करें माँ के हाथ के खाने के बारे में, तो विंटर में आप क्या अपने मम्मी के हाथ के हाथ खाना पसंद करते हैं? स्पेशली यू नो कुछ चीज़ें होती है मम्मी के हाथ के बहुत पसंद देती है, वैसा आपका फेवरेट क्या है? मैं बताऊँ, मम्मी मेरा सब खाना बहुत अच्छा और बहुत लजीज बनाते हैं। इनफैक्ट मेरे पूरे परिवार में सभी लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन विंटर्स में हमारे यहाँ जो मिट्टी का चूल्हा होता है, सो मिट्टी के चूल्हे को वहाँ मिट्टी विट्टी लगा के हम लोग, और टेरेस पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे शेड्स पड़े होते हैं, और हम लोग चूल्हे के आसपास सब जैसे पिंड में बैठते हैं वैसे हम सब लोग बैठ जाते हैं। वहाँ मेरी नानी, मम्मी, मासियाँ, तो ये सब जो होती हैं, चावल की आटे की जो रोटी होती है, भाकरी जिसको बोलते हैं, उसको उल्टे तवे पे बनाया जाता है। उसके साथ हम सरसों का साग हो गया, ठीक है, वो हो गया, या हमारे यहाँ एक सब्ज़ी बनती है विंटर्स में जो होती है कच्ची आंबे की सब्ज़ी, जो आम होते हैं कच्चे उसकी एक सब्ज़ी बनाई जाती है, वो बनती है, और वो उसके साथ एक बहुत ही, आपको पता है, टमाटर की चटनी। हाँ, तो विंटर्स में ये सब खाना हमें बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं तो चाय नहीं पीता, उसके बाद खाने के आधा एक घंटे 40 मिनट 45 मिनट बाद हमारे यहाँ गुड़ की चाय बनती है, ठीक है। तो वहीं उस चूल्हे के आसपास सारे हमारी फैमिली होती है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, और कई साल से मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। आई होप कि कभी टाइम मिलेगा तो मैं वापस से वहाँ जाऊँगा। और अभी क्या है कि सब लोग बाहर चले गए, फॉरेन चले गए पढ़ने के लिए, कुछ लोग जॉब पे चले गए, अभी नहीं, लेकिन हमने बचपन से लेके ये बहुत किया है। तो आज कितने एक्साइटेड हैं आप? यू नो आज बहुत बड़ी थाली है, और आपको क्या लगता है आप ये फिनिश कर पाएंगे थाली? यार देखो, मेरी एपिटाइट तो बहुत अच्छी है, और बाकी लोग मुझे बोलते भी हैं कि भाई तुम दिन भर खा सकते हो, मैं कोशिश तो करूँगा कि फिनिश कर पाऊँ, लेकिन हाँ मुझे नहीं पता कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मैं एक्साइटेड बहुत हूँ, और जब भी मैं खाना देखता हूँ मेरे चेहरे पे खुशी होती है खाना खाने की, और आई थिंक अगर आप खुश होकर खाना खाते हैं तो उसके लिए आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तुम बड़ा खुश होकर, बड़े प्यार से, हाँ बड़े प्यार से, बड़े उसको निहार के खाने को, और तब तसल्ली से बैठ के खाता हूँ। चलो स्टार्ट करें फिर। बिल्कुल स्टार्ट करें। फरमान, आई होप आपको मज़ा आया होगा, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे अच्छी डिश कौन सी लगी आपको? यार मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊँगा, रेटिंग्स तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि सभी जो है A1 जो होते हैं वो है 10 out of 10 बोलूँगा मैं, लेकिन क्योंकि मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो हमेशा मेरे लिए नंबर 1 पर रहता है। पनीर बहुत अच्छा है, राजमा बहुत अच्छा था, काली दाल बहुत अच्छी थी, थोड़ी स्वीट डिश भी है यहाँ पर,
जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो हर इंसान को अपने हिसाब से पसंद होता है, तो वो नहीं। और स्पेशल क्योंकि विंटर्स हैं और विंटर्स में सभी के यहाँ आई थिंक गाजर का हलवा बनता होगा, तो वो हमने बड़े ही शौक से चटपटा के और मज़े से खाया है। ओके, लास्टली जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर आपको मौका मिलेगा अपने फैंस को कोई डिश बना के खिलाने का, तो वो कौन सी डिश होगी जो आप बना के खिलाना चाहेंगे? मुझे लगता नहीं मेरे हाथ का खा पाएंगे। मैं इतना गंदा शेफ हूँ कि मुझे आप बना बनाया भी देंगे, वो बोलेंगे गरम कर दो, तो शायद वो गरम करने में उसको जला दूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको एक अच्छी अपने हाथों की सैलेड, जो आई थिंक सबसे इजी काम है, वो बना के खिला सकता हूँ। तो आज के इतने लजीज और इतने बेहतरीन खाने के लिए जो आशीष महेश्वरी जी हैं, यहाँ के फूड मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, उनको मैं बहुत दिल से शुक्रिया और थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने इतनी बढ़िया सर्विस हमको दी और इतना बेहतरीन खाना हमको खिलाया है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ से जाने के बाद मैं 2-3 घंटे आराम से सोने वाला हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फरमान, एंड आई होप आपके साथ आगे ही हम ऐसे अच्छी अच्छी स्टोरी करते रहें। फॉर श्योर, मतलब आपको कैसे कोई मना कर सकता है। थैंक यू। सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेली बाइट्स राइट अवे।